हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वाभिमान रैली होकर रहेगी टीम मानेंद्र। राजनीतिक मैदान में उठापटक तेज है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही मैदान में पसीने बहाने के बाद भी चैन से नहीं है। ऐसे में पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जिला एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन की सुबुगाहट की आहट से चर्चाएं जयपुर से दिल्ली तक बटोरे हैं। बीजेपी के संस्थापक सदस्य, भारत के सबसे चर्चित राजनेता, पूर्व केंद्रीय वित्त, विदेश और रक्षा मंत्री और राज्यसभा प्रतिपक्ष नेता रहे जसवंत सिंह के पुत्र कर्नल मानवेंद्र सिंह आगामी 22 सितंबर को स्वाभिमान रैली के नाम से अपनी ताकत दिखाकर आगामी चुनावों की ताल ठोकेंगे। अब तो पिता की तरह बीजेपी से किनारा करके राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हैं या चर्चाओं के मुताबिक वो कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं, ये भविष्य के गर्भ में है। बाड़मेर में लंबे समय बाद जसवंत सिंह के दाता दल के सिपा सलार यानी मानवेंद्र सिंह के राजनीतिक जंग के सारथी मीडिया के सामने आए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बलराम प्रजापत, रंजीत चौधरी, अधिवक्ता स्वरूप सिंह चाड़ी, मौलवी अब्दुल करीम, राम सिंह बोथिया, तेजदान देथा संयुक्त मीडिया कॉन्फ्रेंस में सामने आए। उन्होंने 22 सितंबर को प्रस्तावित स्वाभिमान रैली के तय समय और दिन पर होने की बात कही। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बलराम प्रजापत ने कहा कि बीजेपी के कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि राजपूत नेताओं से बात हो गई है और अब स्वाभिमान रैली नहीं होगी, जबकि हमारी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और लाखों स्वाभिमानी लोग के साथ रैली होगी। बलराम प्रजापत के अनुसार ये 36 कौम के स्वाभिमान की रैली है। लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि राजपूत समाज की रैली है, लेकिन ये स्वाभिमान की रैली है और स्वाभिमान हर जाति धर्म में है। सब स्वाभिमानी लोगों को बुलावा दिया गया है। इस रैली में मंथन होगा और आगामी कदम पर निर्णय लिया जाएगा। हमारा राजनीतिक कदम यहीं से स्पष्ट होगा। भाजपा के दिग्गज नेता जसवंत सिंह के विधायक पुत्र मानेंद्र सिंह और मारवाड़ की राजपूत समाज में भाजपा की मुश्किल बढ़ा दी है। मानवेंद्र सिंह आगे राजनीतिक चौसर पर कौन सी चाल चलेंगे, भाजपा और कांग्रेस की निगाहें उन पर लगी हैं। निगाह इस बात पर है कि मानवेंद्र सिंह कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर राजपूत समाज को एकजुट कर भाजपा पर दबाव बनाएंगे। इस बारे में आधिकारिक घोषणा बाड़मेर जिले के पचपदरा में 22 सितंबर को प्रस्तावित स्वाभिमान रैली में होगी। स्वाभिमान रैली के माध्यम से मानवेंद्र सिंह अपनी ताकत दिखाएंगे। फिलहाल कयास का दौर जारी है और मानवेंद्र सिंह और उनके समर्थक स्वाभिमान रैली को सफल बनाने में जुटे हैं। उधर भाजपा मानवेंद्र सिंह और राजपूत समाज को मनाने में जुटी है। जसवंत सिंह समर्थकों को मनाने में जुटी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने हाल ही में जसवंत सिंह के दो समर्थकों स्वरूप और गिरधर सिंह की पार्टी के निष्कासन रद्द कर दिया है। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।